हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आई जाने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मध्य प्रदेश की 15 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। इस पे मोहर लग गई है। आपको मैं पूरी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बताऊंगा कि कौन कौन से उम्मीदवार कहाँ कहाँ से लड़ेंगे। बड़ी मशक्क़त के बाद यह लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि इसके पहले हमने जो सूची बताई थी उसमें हरी झंडी मिली थी उन नामों पर, लेकिन पुराने जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनके नाम कटने की भी संभावना है। तो जान लेते हैं किन किन के नामों पे मुहर लग चुकी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। बीजेपी कैंडिडेट लिस्ट, भाजपा ने जारी की एक और लिस्ट जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर पार्टी ने अभी तक 285 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश के अभी 15 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लगभग 29 सीट के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल में 15 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है। चलिए देख लेते हैं अपन। इसके पहले विधानसभा में जो हमारे सीएम थे शिवराज सिंह चौहान थे, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और अच्छे शासक हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस के जो हमारे सीएम हैं वे भी बहुत अच्छे शासक हैं, लेकिन कुछ त्रुटियां सभी में होती, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। अब हमें अपने मताधिकार का उपयोग करना है सही लोकसभा उम्मीदवार का चयन करके। देखते हैं आज की लिस्ट, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। 23 मार्च 2019 को यह रिलीज़ हुई है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग न्यू दिल्ली, ठीक है, प्रेस रिलीज। द सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी मीट अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ श्री अमित शाह ऑन 22 मार्च 2019। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह जी, उन्हीं के नेतृत्व में यह लिस्ट जारी की है। मैं आपको इसको अगर पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट नामों पे ले जा देता हूँ, ठीक है। फिर भी मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, श्री राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, श्री अरुण जेटली मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कॉरपोरेट अफेयर्स, श्रीमती सुषमा स्वराज मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, श्री नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, वाटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन एंड ऑफ दी अदर मेंबर्स ऑफ दी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ऑफ दी बीजेपी। मतलब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, फिर नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है, उसके बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली, ये सब इस मीटिंग में मौजूद थे और उन्हीं के सामने यह लिस्ट जारी हुई है, इसका ये मतलब हुआ। अब हम देख लेते हैं लिस्ट में किस किस के नाम हैं लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। दो नाम ऊपर गोवा के हैं, अपन मध्य प्रदेश का देखते हैं। तीसरे नंबर से आप देखो मध्य प्रदेश, ठीक है, मुरैना, मुरैना में है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर कालम पे है मध्य प्रदेश भिंड, एससी सीट है, इसमें श्रीमती संध्या राय। उसके बाद में फिर पांचवे नंबर कालम पे आप देखो टीकमगढ़, एससी सीट है, यहाँ है श्री वीरेंद्र कुमार खटिक, ठीक है। फिर छठे नंबर पे है दमोह, दमोह से हैं श्री प्रहलाद पटेल। उसके बाद सातवें नंबर पे हैं सतना, सतना से हैं श्री गणेश सिंह। फिर आठवें नंबर पे है रीवा, रीवा से है श्री जनार्दन मिश्रा। उसके बाद में फिर नौवें नंबर पे है सीधी, सीधी से है श्री रिद्धि पाठक। उसके बाद दसवें नंबर पे है सैडोल, एसटी सीट है, यहाँ से श्री
इमानदारी सिंह। उसके बाद में 11वें नंबर पे है जबलपुर, जबलपुर से है श्री राकेश सिंह, ठीक है। उसके बाद 12वें नंबर पे है मंडला, एसटी सीट है, यहाँ पर है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। उसके बाद 13वें नंबर पे है होशंगाबाद, होशंगाबाद से है श्री राव उदय प्रताप सिंह, ठीक है। उसके बाद 14वें नंबर पे आप देखो उज्जैन, उज्जैन से एससी सीट है श्री अनिल फिरोकिया। उसके बाद में 15वें नंबर पे आप देखो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से श्री सुधीर गुप्ता जी। उसके बाद 16वें नंबर पे है खंडवा, खंडवा ज़िले से कौन है, श्री नंद कुमार सिंह चौहान, ठीक है, इसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के। उसके बाद 17वें नंबर पे बैतूल जो एसटी सीट है वहाँ से है श्री दुर्गादास उइके, ठीक है। उसके बाद फिर 18वें नंबर पे और 19वें नंबर पे झारखंड का आ गया है, मतलब आप टोटल करोगे तो 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं बीजेपी के लिए। मैं आपको एक थोड़ा बड़ा करके और दिखा देता हूँ, एक बार हम अच्छे से देख लें। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर, रीवा से जनार्दन मिश्रा, जबलपुर से राकेश सिंह, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटिक, दमोह से प्रहलाद पटेल, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रिद्धि पाठक और सैडोल से हिमांद्री सिंह, मंडला से है फग्गन सिंह कुलस्ते जी, होशंगाबाद से है राव उदय प्रताप सिंह और भिंड से हैं संध्या राय और उज्जैन से हैं अनिल फिरोजिया और मंदसौर से हैं सुधीर गुप्ता और खंडवा से है नंद कुमार सिंह चौहान और बैतूल से हैं दुर्गादास उइके। इस प्रकार से 15 नामों की लिस्ट जारी हो चुकी है, 15 जो संसदीय क्षेत्र हैं, 15 जो हमारे ज़िले हैं उनके लिए 15 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। अब ये चुनाव में अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद में हमको इन्हें जिताना है या हराना है, अब वो हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से अभी 15 नामों पर मोहर लग चुकी है, बाकी जो बचते हैं और 14 नाम बचेंगे, 14 नामों का भी एक या दो दिन में आ जाएगा, उससे भी हम अपडेट रहेंगे। लोकसभा चुनाव की हर बड़ी खबर से आप अपडेट रहें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा जानकारी देने की। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा से मिले। तो मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।